दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर हर्ष और भारती आए हुए हैं, जो कि घर के सभी कंटेस्टेंट से एक के बाद एक कई दिलचस्प टास्क करवा रहे हैं, जो कि दोस्तों देखने में वाकई काफी फनी है। दरअसल आपको बता दें कि आज बिग बॉस ओटीटी का आखिरी दिन है, यानी कि आज बिग बॉस ओटीटी की जो लाइव स्ट्रीम 24 घंटे वू टेप पर चलती है, वो हर्ष और भारती बंद करवाने के लिए आए हैं। इसलिए जाते जाते ये बिग बॉस के ओटीटी के आखिरी पलों को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। तभी तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में घर के अंदर निशांत भट्ट, दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल को एक टास्क दिया था। इस टास्क के दौरान दोस्तों निशांत भट्ट ने एक मैच मेकर की भूमिका निभाई थी, जबकि दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल ने कुंवारे लड़के और लड़कियों की भूमिका निभा रहे थे। इस दौरान दोस्तों दिव्या अग्रवाल को अपने लिए एक अच्छे लड़के की तलाश थी, जिसके बाद मैच मेकर निशांत के पास में केवल एक ही लड़का उपलब्ध था, जो कि प्रतीक के रूप में था। और जब निशांत ने दिव्या को प्रतीक की फोटो दिखाई तो देखते ही प्रतीक उनको काफी पसंद आ गया। वहीं दोस्तों इसके बाद में दोनों की पहली मीटिंग फिक्स करवाई गई, यानी कि निशांत ने इन दोनों की मीटिंग अरेंज करवाई। इस दौरान जब प्रतीक सहजपाल दिव्या से मिलने आते हैं तो वो अपनी तोतली भाषा बोलते हैं और चेहरे पर अलग सी मूछें देखकर दिव्या काफी घबरा जाती है और इसकी शिकायत मैच मेकर निशांत से करती है। लेकिन दोस्तों इतने में प्रतीक और दिव्या के आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो इनका झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद में प्रतीक सहजपाल वहां से दिव्या को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों मैच मेकर निशांत ने कहा कि आप मेरा रिकॉर्ड खराब मत करवाइए, आपको जैसे लड़के की तलाश है वैसे सारी क्वालिटीज तो मुझ में है। और ये सुनकर दिव्या को भी निशांत पसंद आ जाता है, जिसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते से जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में प्रतीक सहजपाल और भी अलग तरीके की एक्टिंग करते हैं और वो अपने आप को शादीशुदा बताकर निशांत पर केस कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये नाटक देखने में वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प था और काफी फनी भी था, जिसे देखने के बाद में हर्ष और भारती भी जोर जोर से हंस पड़े। वहीं घर के बाकी कंटेस्टेंट की भी इस दौरान काफी हंसी छूट गई। फिलहाल दोस्तों आपको इनको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस ओटीटी की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।